नमस्कार, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि IVF के बेबीज, IVF द्वारा बॉर्न बेबीज क्या स्वस्थ होते हैं या नहीं। अगर हम देखें आज की डेट में तो करीबन 80 लाख IVF बेबीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे दुनिया में पैदा हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। और क्या वो हेल्दी हैं? जी हाँ, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर लोग बच्चे जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में हेल्दी होते हैं उसी तरह से हेल्दी होते हैं। इस प्रक्रिया में, IVF की प्रक्रिया में क्या किया जाता है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होता? नॉर्मली इस प्रक्रिया में, यानी कि IVF में, हम मदर से, माँ से, माँ के जो अंडे होते हैं वो निकाल कर एक प्लास्टिक डिश में, एक प्लास्टिक पेट्री डिश में रख देते हैं और हस्बैंड का के शुक्राणु लेकर उनको प्रोसेस करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में स्पिन करके, कॉन्सेंट्रेट करके उसी पेट्रो डिश में डाल दिया जाता है, जिसके बाद दो जो अंडे हैं और शुक्राणु हैं आपस में मिलकर बच्चा बनाते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में ये प्रक्रिया बच्चेदानी की जो नलियाँ होती हैं, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, वहाँ पर जाके होता है। एक बार जो बच्चा बन जाता है पेट्री डिश में हमारे पास IVF में, वो मदर की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में 3 से 5 दिनों के बाद अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद एक तरह जो प्रेगनेंसी बनती है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की ही तरह होती है। शुरू में हम थोड़ी सी ज़्यादा दवाइयाँ ज़रूर देते हैं, बट उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही दवाइयाँ दी जाती हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रिकॉशंस की के कहा जाता है, जो सावधानियाँ बताई जाती हैं, वही करनी होती हैं IVF प्रेगनेंसी में भी। और हाँ, उनकी IVF प्रेगनेंसी के बच्चों की भी, मदर्स की भी, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सजेरियन भी हो सकता है, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। एक बार बच्चे जो बाहर निकल कर आते हैं, जब हमारे हाथ में बच्चा आता है, अगर आप किसी IVF प्रेगनेंसी के बच्चे को देखोगे या फिर एक नॉर्मली कंसीव्ड यानी कि नेचुरल कंसेप्शन, जो नॉर्मल तरीके से बच्चा कंसीव किया जाता है, उस बच्चे को देखोगे, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये IVF का बच्चा है या फिर ये नॉन IVF का बच्चा है। देखने में पूर्णतः दोनों तरह के बच्चे बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही तरह के दिखेंगे। इसलिए अगर आपको फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी रुकने में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बात करिए। थैंक यू।